गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिले थे दो क्वेश्चंस। आइए हम, ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, हम पहले उसके सॉल्यूशंस आपको दे दें। उम्मीद है आपका सही रहा होगा। आप चाहे तो अगर कोई मिसिंग रही हो तो आप मैच कर लेंगे। ये तो था क्वेश्चन, हाँ ये रहा आपका फर्स्ट आंसर का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। दिस इज इन केस ऑफ मिनट्स एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स एंड दिस इज द रेट ऑफ NO2 फॉर्मेशन। फोर्थ पार्ट हमारे क्वेश्चन का, ये फोर्थ पार्ट था, खत्म हो गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, कर सकते हैं। चलिए आपने कर लिया होगा। अब हम आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले, राइट। तो देखिए, मेरे पास एक रिएक्शन दिया गया छोटा सा। कहा गया है H2O2 changes to H2O and half O2। आगे क्या दे रहा है, इफ ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 changes from 0.5 टू 0.05 मोलर। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़ा सा हम रिकैप करा दें। अब तक आपने क्या सीख रखा है, आपने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, वेरी गुड। बताइए पहला कौन सा, हाँ दूसरा, पहला तो होता है आर एवरेज, या जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, आर इंस्टेंटेनियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। फिर हमने ये सीखा था, अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। जब मुझे ये नहीं पता है कि मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए यूज कर रहा हूँ या प्रोडक्ट के लिए, तो मैं ऐसे जनरली लिख दूंगा। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ, वेरी गुड, मैं क्या यूज करता हूँ, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन। जबकि अब मैं अलग अलग रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के लिए लिखने चलूँ तो देखिए क्या होगा, मैं अगर r एवरेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस टू लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंस, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंस का कंसंट्रेशन लगातार क्या होता है, घटता रहता है। फिर उसके बाद माइनस डेल्टा, यहाँ लिख देते हैं, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस अपॉन डेल्टा टी, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस R2 - R1 अपॉन T2 - T1, तो वो तो आप कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, तो मैं क्या लिखूँगा बताइए, वेरी गुड, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। वहीं पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस के लिए लिखूं, किसके, रिएक्टेंस के टर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस d/dt कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें हम प्लस में लिखेंगे, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर हमने सीखा था, अगर हमारे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली उसने एवरेज या इंस्टेंटेनियस पूछा है तो जो पूछा हम वो जवाब देंगे, अगर कुछ नहीं पूछा है तो हम उसको इस फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में, यानी कि d/dt इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप दोनों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन हम अगर हम जनरल नोटेशन की बात करें तो हम यही यूज करते हैं। फिर हमने सीखा था रेट ऑफ अपियरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस, आप इस पर P कर लीजिए ना, चेंज कर करके, ताकि आपको हर बार नए चीज़ सीखने को मिले। N2Q गिव्स यू N3R प्लस N4S। मान लीजिए आपको एक ये रिएक्शन दी गई है और इससे आपको कह रहा है आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, सिर्फ आपने, आपको ये कहा गया यू नीड टू राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। आपसे ये नहीं कहा गया है कि एवरेज लिखना है या आपको इंस्टेंटेनियस लिखना है, तो आपको पता है
हाँ आपको पता है आपको क्या लिखना है, हम इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में लिख देंगे, आप दोनों चाहें तो लिख सकते हैं, बट हमें टाइम बचाना है, लास्ट टाइम हमने इसलिए लिखा था ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो बताइए मैं क्या लिखूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी, सही है। क्या इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी लिखना पड़ता है? हाँ, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इसका कितना है एन वन, यानी कि मुझे इसको क्या करना होगा, एन वन से डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। चलिए इज इक्वल टू, दूसरा बताइए, वेरी गुड, माइनस क्योंकि ये भी रिएक्टेंट्स है, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट कितना है एन टू, यानी कि हम इसको एन टू से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू। थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो बताइए, अब ये तो पॉजिटिव हो गया, क्या लिखेंगे हम, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ आर, इससे कोफिशियंट कितना एन थ्री, सो डिवाइडेड बाई एन थ्री। कुछ लोग वन अपॉन एन थ्री लिखते हैं, वो आपकी मर्जी, आप चाहे वन अपॉन एन थ्री लिखिए या सिर्फ एन थ्री लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ये भी प्रोडक्ट है तो बताइए क्या होगा, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एन फोर, इसका कोफिशियंट, समझ में आया। अब इसके लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है, देखिए ये तो आपको लिखने आ ही गया, इसको ना एक नया टर्म से डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल रेट लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। अब तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता होगा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, अगर आप किसी भी रिएक्शन की रेट लिख रहे हैं तो आप चाहें डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हों तो उस केस में आप चाहें तो रिएक्टेंट्स के टर्म में लिख लीजिए, आप चाहें तो प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिख लीजिए, आप चाहें तो अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए लिखिए या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, सबकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि रिएक्शन सेम है। तो आप चाहें रेट ऑफ रिएक्शन पी के टर्म्स में लिख लीजिए, आप चाहे आर के टर्म्स में लिख लीजिए, आप चाहे एस के टर्म्स में लिख लीजिए या फिर क्यू के टर्म्स में, सबसे जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी सेम, क्योंकि रिएक्शन सेम है तो सबके तरफ से आने वाली वैल्यू क्या देगी हमें, रेट ऑफ रिएक्शन, और सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर है इतनी बातें। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और सीखी थी, देखिए वो क्या था, कई बार मुझे दो टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो मुझे देखने को ये मिल सकता है डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव क्यों लिया क्योंकि प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन भी लिख लेते हैं हम, आर चेंजेस टू प्रोडक्ट, ये है ठीक है, आप चाहे तो इनके साथ साथ कोई कोफिशिएंट ले लीजिए, मान लीजिए टू आर चेंजेस टू थ्री प्रोडक्ट, तो बताइए क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सो कोफिशिएंट थ्री है, मुझे यहाँ थ्री लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार तो मैं ये लिखूँगा, दूसरी बार मैं इसको, कई बार आप देखेंगे तो ऐसे भी लिख के दिखाऊंगा, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक बार मैं आपको कोफिशियंट के साथ भी लिख के दिखाऊंगा, दूसरी बार विदाउट कोफिशियंट भी, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं विदाउट कोफिशियंट लिखूँ तो उसका क्या मतलब हुआ, और मैं विथ कोफिशियंट लिखूँ तो उसका क्या मतलब हुआ। जब भी मैं विथ कोफिशियंट लिखूँगा दिट मीन्स दैट इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये मुझे क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा। जबकि अगर मैं विदाउट कोफिशियंट लिखूं वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ, अब बताइए प्रोडक्ट है ना तो इसकी अमाउंट बढ़ रही होगी घट रही होगी, बढ़ रही होगी तो हम क्या लिखेंगे, अपियरेंस या डिसअपियरेंस, वेरी गुड अपियरेंस, या आप चाहें तो इसको रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। यानी कई बार आपसे कहेगा कि आप बताइए आपकी इस रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बना होगा, उसकी रेट बताइए, तो उसके लिए आपको कोफिशियंट से बिल्कुल डिवाइड नहीं करना है, यानी कि जो थ्री है ये आपको शो नहीं करना होगा, आप इसको इक्वेट कर देंगे, आप दूसरे साइड में भेज के सॉल्व कर देंगे, यानी कि ये हमें देगा कितना प्रोडक्ट बना उसका रेट, ये मुझे क्या देगा, जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट। क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए ये तो हो गया रिवीजन, आइए अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे क्वेश्चन में कहा गया है एक रिएक्शन है, रिएक्शन को लिख लेते हैं, एंड द रिएक्शन इज H2O2
changes to H2O and half O2. ये रिएक्शन आपको दी गई है और आपसे कहा जा रहा है अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इज चेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 0.05 मोलर या मोल पर लीटर लिखे, जो भी मर्जी आप लिख लीजिए। वो कह रहा है अगर H2O2 की कंसंट्रेशन 0.5 से घटकर कितनी हो गई, 0.05 टाइम दिया होगा इन 15 सेकेंड्स, तो मुझे क्या करना है, टाइम लिख लीजिए, टाइम इज ऑल्सो गिवन 15 सेकेंड्स। तो पहले तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला। आप बताइए 15 सेकेंड के लिए मुझे एवरेज निकालना होगा या इंस्टेंटेनियस, हाँ आपको समझना होगा। जब हम कहेंगे 5 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए, 10 मिनट के लिए, इसका मतलब हम आपको एक टाइम इंटरवल दे रहे हैं, एक गैप दे रहे हैं कि इतने से इतने गैप के बीच में, वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एवरेज। जबकि अगर मैं कहता कि सिर्फ 15वें सेकेंड पे, यानी कि 15th सेकेंड पे, आपको टर्म्स का ध्यान रखना होगा, अगर मैं आपसे ये कहता एट 15th सेकेंड, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस कह रहा है कि जब जैसे ही टाइम 15वां सेकंड आया होगा उस टाइम पे बताइए, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस। जबकि अगर टाइम गैप दिया है आपको, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए आर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ना आर एवरेज मैं किसके टर्म्स में लिखने जा रहा हूँ, रिएक्टेंस के टर्म्स में या प्रोडक्ट के टर्म्स में। हाँ लिख तो हम किसी के टर्म्स में सकते हैं, लेकिन हम उस टर्म्स में लिखेंगे जिसके टर्म्स में हमें कुछ वैल्यूज या डेटा दी गई हों। देखिए क्वेश्चन में किसके टर्म्स में डेटा दिया गया है, H2O2 के टर्म्स में। आप बताइए H2O2 क्या है, रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट्स के टर्म्स में जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे फॉर्मूला, माइनस, यहाँ लिख लीजिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डेल्टा टी। ये बात समझ में आ गई होगी, आइए आगे लिखते हैं माइनस। अब बताइए H2O2 का फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.05, तो लिखिए 0.05 माइनस, इसका पहले कंसंट्रेशन इनिशियली कितना रहा होगा, 0.5 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 15, इसको सॉल्व करिए तो देखिए आपको मिलेगा माइनस कितना है 0.05 माइनस 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -0.45 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू आपको बताया 15, आप माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या बन जाएगा 0.45 अपॉन 15, आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू देखिए मेरे हिसाब से कितना बन जाएगा 0.03 यूनिट लिख लें। आप बताइए ऊपर क्या था, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में था, हमने लिख लिया मोलर, टाइम नीचे किस में लिखा था हमने, सेकेंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि नीचे था ना तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, यानी क्या बन जाएगा सेकेंड इनवर्स, विजिबल है ना, अच्छा ऊपर वाला पार्ट थोड़ा कम विजिबल था, अभी अच्छे से विजिबल हो गया होगा, सही है, चले आगे बढ़े। तो ठीक है ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, और देखिए मुझे क्या कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, आप चाहते एक बार मैच कर ले वैल्यू, हाँ देखिए 0.03 मोलर सेकेंड इनवर्स, आप चाहें तो इसको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी होता ही है मोल लीटर इनवर्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट है मेरा इसी में, सेकेंड रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ O2, आइए निकालते हैं, अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। अब मुझे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ O2 निकालना है, यानी कि ये कैलकुलेट करना है इसका अपियरेंस, तो मैं क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, अगर आप अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिए तो क्या होगा बताइए, इसका कंसंट्रेशन माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, ये पार्ट तो विजिबल ही नहीं होता, चलिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू H2O, क्या मुझे H2O का कोई यूज है, नहीं, मुझसे तो कह रहा है कि आप O2 के लिए डिफाइन करिए,
मैं एक O2 यूज करूंगा और एक ये मुझे पता है तो इसको यूज करूंगा। मैं H2O को अभी इग्नोर करता हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको लिखना नहीं चाहता। मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा। बताइए ये प्रोडक्ट है ना, इसको वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। अब बताइए जब भी हम रेट लिखते हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिख रहे हैं आप, तो उस केस में आप स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं या नहीं? करते हैं ना। हाँ, हमारे समझ में आ रहा है, आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, लेकिन हमें तो अपीयरेंस निकालना है। अपीयरेंस हम बाद में निकालेंगे, पहले लिख तो ले रिलेशन, ठीक है? यानी कि मुझे ये कोएफिशिएंट यहाँ लिखना पड़ेगा कितना, 1/2। अच्छा, 1/2 को अगर मैं लिखना चाहूँ, देखिए मैं 2 ऊपर लिख दूंगा क्या, क्योंकि 1/2 है, इसका अपॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज़ें पता है, जैसे ये वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट किया था, कितना आया था, आई थिंक आया था 0.03 मोल सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोलर सेकेंड इनवर्स, ठीक है? इसको अगर ध्यान से देखिए तो मुझे तो रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए। रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या कोफिशियंट डिफाइन होता है? नहीं होता ना। यानी कि मुझे अगर सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए तो मुझे कितना चाहिए होगा, ये वैल्यू इतनी चाहिए, ये कोफिशियंट मुझे 2 नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, 2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2, और ये पूरा टर्म क्या हो गया, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। अब देखिए, क्योंकि मुझे सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 चाहिए, मैं इस 2 को इधर भेज दूंगा तो अगले टर्म में मुझे क्या मिल जाएगा, 0.03 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। अब देखिए मैं इसको छोटे टर्म्स में लिखूंगा, रेट को R, ऑफ को O एंड अपीयरेंस को A, लिख सकता हूँ क्या मैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ROA ऑफ O2। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0.03 था ना, तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.015 मिल जाएगा, यूनिट मोल मोलर सेकेंड इनवर्स, या दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए दिया है 0.015 मोलर सेकेंड इनवर्स, सही है, आसान है, कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 2N2O5 चेंजेस टू N2O4 प्लस O2 इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज गिवन 0.5 मोलर सेकेंड इनवर्स। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या दिया है, 2N2O5 चेंजेस टू 2N2O4 प्लस O2। देखिए और क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज 0.5, यानी कि मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, O2 का मुझे पता है, कितना दिया है, 0.5 मोलर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। देन डिटरमाइन द रेट ऑफ डिस अपियरेंस ऑफ N2O5, तो मुझे क्या करना है, रेट ऑफ डिस अपियरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट करना है, N2O5 कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो मुझे दिया है मैं थोड़ा सा उसी को इलेबोरेट कर लूँ, यानी कि उसको अच्छे से लिख लूँ। तो ये रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ O2 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, प्रोडक्ट है ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। देखिए क्या ये लिखेंगे, हाँ, पहली बात तो इसमें अगर आप रेट भी लिखना चाहें तो वही रहेगा, क्यों वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोफिशियंट था ही नहीं, तो आप चाहें इसको रेट कहिए या फिर इसको रेट ऑफ अपियरेंस कहिए, क्योंकि इसमें कोफिशियंट नहीं है। तो ये वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 0.5 मोलर सेकेंड इनवर्स, यूनिट के बाद हम बाद निकल लेते हैं, अभी हम क्या यूज करेंगे, वेरी गुड, डिफरेंशियल रेट लॉ यूज करेंगे।
वो किसके लिए यूज होता है? रेट ऑफ इक्वेशन लिखने के लिए। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम पहले N2O5 के टर्म्स में। तो बताइए क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। रेट लिख रहे हैं तो कोफिशियंट डिफाइन करना पड़ेगा कितना है, 2। तो मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? चलिए इज इक्वल टू, फिर मुझे N2O4 लिखना पड़ेगा और O2 लिखना पड़ेगा। बताइए मुझे इस क्वेश्चन में N2O4 की कहीं रिक्वायरमेंट दिख रही है? देखिए कहीं भी नहीं। एक तो O2 के बारे में कह रहा है, दूसरा N2O5 के बारे में कह रहा है। हम N2O4 को चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी करते हैं, तो हम इग्नोर करेंगे। हम दूसरा किसकी बात करेंगे? O2 की। अभी मैं रेट लिख रहा हूँ O2 की, तो आइए लिखते हैं O2 का रेट। प्रोडक्ट बन रहा है तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी बनेगा। ये बात समझ में आई आपको? इस लाइन में किसी को दिक्कत है? नहीं है। आइए अब ध्यान से देखिए, इसे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ O2 दिया था, यानी कि आपको ये वैल्यू पहले से दिया हुआ है। कितना दिया है? डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए तो ये भी क्या लिखा है, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। क्या मैं इसके जगह पे 0.5 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ ना, तो चलिए लिख लेते हैं। माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? 0.5 मोलर सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बताइए, क्या ये पूरी वैल्यू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 में ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इसको इतना अगर कर दूं, तो बताइए इस 2 को अगर मैं हटा दूं, तो ये जो वैल्यू दिख रही है क्या ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है? हाँ है ना, तो लिख लेते हैं। यहाँ क्या बच्चा? 1/2। इस 2 को उधर भेज दीजिए, उधर जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 × 2। इधर क्या बचेगा आपको? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। इसको पूरी टर्म्स को हम अगले लाइन में क्या लिख लेंगे? हाँ वेरी गुड, वी विल राइट आउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये बन जाएगा 1। यूनिट क्या था? मोलर सेकेंड इनवर्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा? मोलर सेकेंड इनवर्स, या दूसरी यूनिट अगर आप चाहे लिखना तो क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जो मोलर है ना, उसको हम मोल पर लीटर लिखते हैं, यानी मोल लीटर इनवर्स लिखते हैं, तो आप मोलर की जगह पर आप ये उठा के भी लिख सकते हैं और सेकेंड इनवर्स वैसे आ जाएगा। समझ में आया आपको? कर सकते हैं, यानी कि आपको एक रिएक्शन दे के किसी एक का वो रेट ऑफ अपियरेंस दे देगा और दूसरे का रेट ऑफ अपियरेंस या डिसअपियरेंस पूछ सकता है। तो आपको पहला काम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं ढूंढना है, आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लगाना है और आपको रिएक्शन का रेट डिफाइन करना है। फिर आप रेट डिफाइन करने के बाद आप देखेंगे कि मुझे किस किस के पार्ट्स की वैल्यू चाहिए और किसकी नहीं चाहिए। जिसकी नहीं चाहिए आप उसको इग्नोर कर देंगे, अब जिसको चाहिए उसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज करके सॉल्व कर देंगे। कर सकते हैं, आइए आंसर मैच कर लीजिए। सो देखिए आंसर इज 1 मोलर सेकेंड इनवर्स, ये रहा आपका 1 मोलर सेकेंड इनवर्स। कर सकते हैं, फिर देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, सेम टाइप का होमवर्क है, आप आराम से ट्राई करेंगे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की, थर्ड टाइप के। इन अ रिएक्शन 3A changes to product P, ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन दिया गया है, वो क्या है? 3A changes to product P। अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, होमवर्क में था भी। द कंसंट्रेशन ऑफ A decreases from 0.8 to 0.2। अब वो कह रहा है जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो 0.8 से घट के कितना बन गया? 0.2, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, टाइम दिया होगा इन 20 सेकेंड्स, तो बताइए क्या दिया है मुझे? डेल्टा टी दिया है।
दैट इज 20 सेकेंड्स। और देखिए कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। बहुत सिंपल है, बताइए कौन सा रेट डिफाइन करेंगे? एवरेज रेट, हम लिखेंगे आर एवरेज। किसके टर्म्स में डिफाइन करें? ए के टर्म्स में दिया है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म में दिया है, तो उसी के टर्म्स में लिखते हैं। बताइए रिएक्टेंट्स के टर्म में मुझे क्या लिखना होगा? माइनस, वेरी गुड, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। क्या इतना लिख दूँ तो मेरा काम चलेगा? नहीं, मेरा काम इतने से नहीं चलेगा, मुझे कोफिशिएंट को डिफाइन करना होगा ना, थ्री, तो ये आ जाएगा अपॉन थ्री। तो चलिए लिखते हैं माइनस, इनको सॉल्व करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है फाइनल? 0.2। माइनस इनिशियल कितना था? 0.8 अपॉन 3 लिख दें। और डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितना है? 20, इसको रख लें। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जगह खाली है ना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँ तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.2 बना 0.8, ये हो जाएगा माइनस 0.6 और ये माइनस, सॉल्व कर देंगे। चलिए लिख ही लेते हैं माइनस 0.6 अपॉन 60। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.6 अपॉन 60। और आप इसको सॉल्व करें अगर चल के, ये हो जाएगा 6 इंटू ये माइनस वन और ये माइनस वन, माइनस टू, ये हो जाएगा 1, ये तो कैंसल हो जाएगा ना, ये बन जाएगा 1 × 10⁻²। ये आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। यूनिट की बात कर लें तो मोलर, और किस में टाइम दिया था? सेकेंड में, तो सेकेंड इनवर्स। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए मोल लीटर इनवर्स या मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वैल्यू किस में दिया है? 0.01। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। लिख सकते हैं, सही है, सेम है। आइए सेम लाइन पे एक होमवर्क आपके लिए, ये आप इसको कर लेंगे। लाइट कट गई तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा ये डायग्राम मुश्किल है आपको, बट आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, या फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, फिर आप वहाँ से पीडीएफ में ये क्वेश्चन वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। ये अमोनिया का एक ग्राफ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या है नहीं है, बड़ा आपको ये चीज़ विजिबल होना चाहिए। जैसे ये टाइम है सेकेंड में, यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन दिया गया है। ये नहीं पता ये कंसंट्रेशन मुझे किसके लिए दिया गया है, बस वो एक कंसंट्रेशन लिख के छोड़ दिया गया। और क्वेश्चन क्या है? यू नीड टू कैलकुलेट फाइंड द एवरेज रिएक्शन रेट, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 to 15 seconds इंटरवल। हाँ, 5 से 15 सेकेंड के बीच में आपको इस ग्राफ की हेल्प से क्या करना है? एवरेज रिएक्शन रेट कैलकुलेट करना है। नो डाउट ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया भी था। एक क्वेश्चन मुझे और कहीं मिल गया, मैंने सोचा आपको ये भी करा दिया जाए। चलिए आइए देख लेते हैं, आप एक बार वीडियो पॉज करके बिल्कुल खुद से ट्राई करें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो आपने ट्राई कर लिया होगा, आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ रिएक्टेंट्स के लिए है या प्रोडक्ट के लिए। हाँ, देख के पता चल गया ना, दिस ग्राफ इज ओनली फॉर रिएक्टेंट्स। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कंसंट्रेशन लगातार घट रही है। और मुझे पता है टाइम के साथ किसी भी रिएक्शन में किसकी कंसंट्रेशन घटती है? रिएक्टेंट्स की। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? लगातार बढ़ती रहती है। तो ये किसके लिए है? रिएक्टेंट्स के लिए। तो बताइए आर एवरेज का फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, हाँ वेरी गुड, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप चाहे तो इसको आर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस डिस्कस करते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन 5 और 15 के बीच में निकालना है, यानी कि एक पॉइंट ये
एक पॉइंट ये, 15 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन वो कितना है 0.2, तो आप यहाँ लिखेंगे 0.2 माइनस, इनिशियली 5 सेकेंड पे कितना था 0.6 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना होगा T2 माइनस T1, फाइनल टाइम 15 सेकेंड, इनिशियल टाइम 5 सेकेंड। आप इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा माइनस, देखिए 0.2 माइनस 0.6 करेंगे ये हो जाएगा माइनस 0.4 अपॉन 15 माइनस 5 सॉल्व करेंगे 10, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 0.4 अपॉन 10। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻²⁻², मोलर मोलैरिटी, मोलर में लिख सकते हैं या मोल लिटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, हम तो मोलर ही लिखते हैं मोलर, और टाइम किसमें दिया सेकेंड में, तो सेकेंड इनवर्स, बस हो गया, सही है आपका आंसर, कर सकते हैं। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था जो कि हो गया, हम आगे बढ़ते हैं अब और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। हाँ, ये तो सारी चीज़ें हमारी क्या थी, पुराने ही लेक्चर से रिलेट कर रही थी, उन्हीं के बस एक एप्लीकेशन लेवल हमने यहाँ पर कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से सीखा। अब मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले कुछ पुराने चैप्टर्स की चीज़ें मुझे यूज करनी है, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ। हाँ, मुझे पता है आपको पता है, बट फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको ये चीज़ें ध्यान में ना हो, पता तो सबको ही होगा, ध्यान में ना हो तो मैं उनको ध्यान दिला दूँ। पता है मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, हम ये वाला फॉर्मूला छोड़ दें तो एक्चुअली क्या होता है मोलैरिटी? मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हम ये कह सकते हैं मोलैरिटी कैन बी डिफाइन एज द मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, कह सकते हैं ना। एक तो ऐसे भी आप समझ लीजिए, अच्छा मोलैरिटी का आप क्या लिखते हैं यूनिट, एक तो मोलर, दूसरा क्या लिखते हैं आप मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोल पर लीटर, आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ, हमें पता है आज आप अपने लेक्चर में 2 बार गुड मॉर्निंग सुन लिए। हाँ, क्या कर सकते हैं, एक्चुअली आपको पता था पिछली बार का लेक्चर पावर कट की वजह से रुक गई थी, तो मुझे आज उसको कंप्लीट करना पड़ रहा है, तब क्योंकि हम नए दिन मिल रहे हैं तो मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तक आई थिंक मैंने ये बातें बता रखी थी कि मोलैरिटी क्या होता है। हाँ, हमने देखा तो उसे फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम मोलैरिटी की मीनिंग की बात करें जो मेरे काम का भी है यहाँ पर, तो बस इतना सा है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, अगर मुझे ये पता है तो मैं उसकी मोलैरिटी बता सकता हूँ। या फिर आपको अच्छे से पता है मोलैरिटी का यूनिट, एक तो होता है मोलर, गुड, दूसरा क्या होता है मोल पर लीटर, होता है ना। अच्छा बताइए ये मोल क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। दूसरा ये बताइए लीटर क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मुझे n अपॉन v कहीं देखने को मिल गया तो क्या मैं इसको हटा के मोलैरिटी लिख सकता हूँ क्या, बोले लिख सकते हैं या नहीं? हाँ लिख सकते हैं, चाहे आप मोलैरिटी की जगह पे इसको लिखिए या इसके जगह पे मोलैरिटी लिखिए, बात तो एक ही हो गई। एक चीज़ और, हाँ मुझे पता है आपको मालूम है, फिर भी एक बार रिमाइंड कराते हैं, मोलैरिटी को हम एक और टर्म से जानते हैं, वेरी गुड, क्या है वो, कंसंट्रेशन, पता है ना। हाँ मुझे पता है आपको पता था, बट फिर भी मेरा काम है। चले आइए, यानी कि मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई, वो क्या है कि अगर मुझे कहीं भी n अपॉन v लिखा हुआ मिल गया तो मैं इसको चाहूँ तो मोलैरिटी भी कह सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो इसे कंसंट्रेशन c से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। आइए तो हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन याद है, क्लास 11 चैप्टर 5, वेरी गुड, क्या था, PV इज इक्वल टू NRT, याद आ गया, बहुत अच्छा। आइए अब मुझे इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स को लाना है, यानी कि मुझे प्रेशर और कंसंट्रेशन को रिलेट करना है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अब आप उस हिसाब से अपने इक्वेशन को देखें, आपको पता होना चाहिए वो करना क्या, आपको क्या करना है, हाँ पता है ना, कंसंट्रेशन और प्रेशर को रिलेट करना है, यानी कि इस पूरे टर्म्स में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लेके आना होगा, प्रेशर तो पहले से ही है। अब बताइए कंसंट्रेशन क्या है,
हाँ अभी तुमने सीखा था एन अपॉन वी। अगर मुझे एन अपॉन वी मिल जाए तो मुझे कंसंट्रेशन मिल जाएगा, बहुत अच्छा। अगर मुझे ये मालूम चल गया तो फिर मेरा आधा काम हो गया। यहाँ एन दिख रहा है, यहाँ वी। अब बताइए मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या बनेगा, एन अपॉन वी। मैं इसको इधर लेके आऊँ तो क्या बनेगा, वी अपॉन एन। मुझे क्या चाहिए, सी, और सी के लिए क्या चाहिए, एन अपॉन वी। यानी कि मैं इस वी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो बताइए मैं क्या लिखूँगा, पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख सकता हूँ। अब चाहें तो एन आर टी अपॉन वी लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अगर लिख सकता हूँ तो बताइए मैं इसको हटा के क्या लिख दूँ, कंसंट्रेशन, तो क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल टू सी आर टी, सही है। हाँ, सी आर टी का मतलब कैथोड रे ट्यूब, नहीं यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब थोड़ी है। हाँ, सी आर टी का फुल नेम कैथोड रे ट्यूब होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ सी क्या है, कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। आर क्या है, वेरी गुड, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम कितनी लेके चलेंगे, 0.0821 एटीएम पर लीटर। टी क्या है, हाँ बहुत अच्छा, टेम्परेचर, जिसको हम किस यूनिट में लेके चलते हैं, केल्विन। पी क्या है, अच्छा ये तो बची गया, प्रेशर, जिसको हम अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो पास्कल, या फिर ऐसे हम किस में डिस्कस करते हैं इसको, एटीएम में, तो हम तो एटीएम के साथ ही डील करेंगे। पास्कल वगैरह में दिया है तो मुझे कन्वर्जन पता है, मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा। तो चले, यानी कि मुझे पी का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, पी इज इक्वल टू सी आर टी, ये मिल गया ना आपको, पी इज इक्वल टू सी आर टी। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट करके बात करूं, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं, तो बताइए ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा ना। और बताइए आर क्या है, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि आर और टी दोनों कांस्टेंट है। तो बताइए क्या मैं पी इज इक्वल टू सी के लिख सकता हूँ, यहाँ पर के क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को हटा के मैंने के लिख दिया, लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं तो बताइए ये सिंबल किसका बन जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का, यानी कि ये हो जाएगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। बात समझ में आई आपको, कर सकते हैं, यानी कि मैं एक चीज कह सकता हूँ कि प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं किसी फिक्स टेम्परेचर पर बात करूँ देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब आइए हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है, यूज करना भी तो सीखना होगा। आइए देखिए, फॉर अ होमोजीनस रिएक्शन रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं किसकी, होमोजीनस गैसियस रिएक्शन की, यानी कि वो गैसियस स्टेट में हो और कैसे हो, नेचर में होमोजीनस, तो उस केस में जो अब तक आप जो फॉर्मूला लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके टर्म्स में लिखते थे, वेरी गुड, इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखते थे आप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप चाहें तो उसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, दैट शुड बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर वहाँ पर कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं, पहले तो आप पूरा समझ लें फिर हम आपको बताएंगे आपको याद क्या रखना है। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है N1A वन ए प्लस एन टू बी गिव्स अस N3C थ्री सी प्लस एन फोर डी। सो बताइए अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये तो रिएक्टेंट है ना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई इसका कोफिशियंट यानी कि एन वन, दैट इज इक्वल टू माइनस, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन टू, दैट इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट आ गया ना, अब माइनस तो लगेगा नहीं, अब हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डिवाइडेड बाई एन थ्री, सही है। ऐसे बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन फोर, लिख सकते हैं इसको, थोड़ा इधर कर ले अब, ठीक है। चलिए इसको बताने से पहले एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, आइए उसको भी दिखा दे,
देखिए, अगर आपको दिया गया d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, यानी कि आपको x से पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। मैथ्स वाले बच्चों को नहीं, तो ये तो बिल्कुल मजाक सा है, बट हाँ जो बायो वाले बच्चे हैं वो सीख ले। तो क्या करते हैं, वो लिखते हैं 4x³। एक्चुअली क्या होता है, इस 4 जो पावर होता है हम उसको पहले लेके आते हैं, और फिर जो x का पावर होता है उसको हम डिक्रीज कर देते हैं एक स्टेप से। तो इस 4 के मैंने बाहर लिख दिया, और x से पावर पहले 4 था तो एक डिक्रीज होकर कितना बन गया 3, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 4x³। सही है, ऐसे ही होते हैं डी बाई डी पी ऑफ पी टू द पावर 7, बट ये बता, बट वेरी गुड, कितना आ जाएगा 7p⁶। कर सकते हैं, चलिए ये मुझे यूज नहीं करना, सॉरी, अगेन यू नीड टू वेट। सो देखिए, एक चीज तो आपने सीख ली, जस्ट लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9, बट एक नहीं आएगी वैल्यू, वेरी गुड, 9x⁸ हो जाएगा। ये 9 बाहर आ गया, x के पावर 9 था तो वो डिक्रीज हो गया, क्या बन गया 8 बन गया। अब मैं इसी के साथ साथ अगर एक कांस्टेंट भी डिफाइन कर दूं, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ये x है, ये 5 है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हाँ, हर बार कांस्टेंट अगर है तो 0 होगा या नहीं होगा, ये बात सिचुएशनल है, लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, डी बाई डी सी ऑफ 700 कितना आ गया 0, क्योंकि 700 क्या है, पूरा कंप्लीट कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। क्यों वेरिएबल नहीं है, सिर्फ इसलिए ये 0 हो रहा है। अब मैं बात करूंगा आपके साथ एक वेरिएबल विथ कांस्टेंट, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ, ये टी है ना यहाँ स्मॉल टी, 7t² अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, अगर अकेला कांस्टेंट होता तो क्या होती वैल्यू 0, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है, तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और आप लिखेंगे 7d/dt(t²), फिर आप लिखेंगे 7 × t² पावर 2 है तो डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और इसका पावर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा टी, 7 × 2 यानी कि 14t। हम जो आपको सिखाना चाहते हैं वो बस आपको इतनी सी बात है, अगर कभी आपको कोई डिफरेंशिएशन दे दिया जाए और उस डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो आप पहले काम यही क्या करें कि इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया करें, क्योंकि अगर ये सिर्फ कांस्टेंट होता तब तो 0 बनता है, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं, तब कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। आइए एक और चीज़ हम आपसे डिस्कस कर लें, बताइए, अगर मैं डी बाई डी टी ऑफ 1/10, इसको पी बना लीजिए, इस बार डी बाई डी पी ऑफ 1/10 पी क्यूब की बात करूं, तो बताइए क्या होगा। हाँ, पहला काम आप क्या करेंगे, इस 1/10 को बाहर निकाल देंगे और आप लिखेंगे 1/10, फिर लिखेंगे डी बाई डी पी ऑफ पी क्यूब। हाँ, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है, वो एक लाइन में कर देंगे, मुझे भी आता है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें बायो वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये मैटर करता है कि ये कैसे होगा। तो देखिए, पी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 बाहर आएगा और पावर डिक्रीज होकर क्या बन जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 3/10p². कर सकते हैं, चलिए अगर आप ये कर सकते हैं तो आप मुझे एक चीज़ और बता दें इसी के साथ साथ, अगर मैं आपसे पूछूं डी बाई डी टी ऑफ पी अपॉन आर टी, ठीक है, जहाँ पे p क्या है आपका वेरिएबल, मैंने ये चीज़ आपको पहले बता रखा है, p क्या है वेरिएबल, तो बताइए इस क्वेश्चन में कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं या नहीं। हाँ दिख रहे हैं ना, ये r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t एट कांस्टेंट टेम्परेचर t भी कांस्टेंट होगा, यानी ये दोनों क्या है कांस्टेंट। तो बताइए मैं जब इनको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे डिफरेंशिएशन में आर टी का डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम इनको पहले बाहर निकाल लेंगे, हम इनको लिख लेंगे 1/RT, क्योंकि ये नीचे था इसलिए 1/RT, फिर क्या लिखेंगे हम
डी बाई डी टी ऑफ पी। ये बात आपको समझ में आ गई। कुल मिला जुला के जो पूरा हमने सिखाया उसमें से एक ही चीज़ आपको याद रखनी थी, वो ये था, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आता है डिफरेंशिएशन में तो पहले हम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए हम अपने क्वेश्चन पर लौट चलते हैं। अब देखिए, हम इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिख लिए थे। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि P प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, CRT के इक्वल होती है। अभी मैंने पीछे डिराइव करके दिखाया था आपको। हाँ, तो मैं जहाँ जहाँ पे P है वहाँ वहाँ पे CRT लिख सकता हूँ, या जहाँ जहाँ पे C है वहाँ पे मैं P अपॉन RT लिख सकता हूँ। अब ये कैसे, क्योंकि मुझे अगर C चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस RT को इधर भेज दूँगा, इधर मल्टीप्लाई में है, RT इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि C की वैल्यू क्या मिलेगी, P अपॉन RT ये मिल जाएगी। समझ में आया मेरी बात? यानी जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन लिखा होगा वहाँ वहाँ मैं प्रेशर अपॉन RT लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ना? चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंसंट्रेशन ऑफ A की, तो बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वेरी गुड, प्रेशर ऑफ A अपॉन RT लिख सकता हूँ। ऐसे अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ B की बात करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? वेरी गुड, प्रेशर ऑफ B अपॉन RT। सी के लिए प्रेशर ऑफ सी अपॉन RT। डी के लिए प्रेशर ऑफ डी अपॉन RT। यानी जहाँ जहाँ आपको कंसंट्रेशन मिल रहा है आप वहाँ पे प्रेशर अपॉन RT लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूँ, अब किसके टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में। यानी कि जहाँ कंसंट्रेशन था मैं वहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रेशर अपॉन RT। तो देखिए, वहाँ पे CA था तो CA को मैंने क्या लिखा, PA अपॉन RT। ये अपॉन का सिंबल है, यानी कि RT नीचे आ जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी था वहाँ हमने क्या लिखा, PB अपॉन RT। जहाँ सी था वहाँ हमने क्या लिखा, PC अपॉन RT। जहाँ डी था वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, प्रेशर ऑफ डी अपॉन RT। लिख सकते हैं ना? ये देखिए, RT, RT, RT और ये RT सब अपॉन में है, यानी सब RT कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे ना। चले, अब मैं इस वैल्यू में अरेंज करके लिखूँ तो मेरा रेट ऐसा दिखेगा, बनेगा ना? अब ध्यान से देखिए, RT पहले आप इसी को देखिए, ये अपॉन RT है ना, अपॉन RT कहाँ रहेगा, नीचे। आप इसके अपॉन की बात करें, इसका मतलब इसके नीचे आएगा RT। ये RT क्या था, कांस्टेंट था, तो मैंने इसको बाहर कर दिया। तो देखिए, N1 और RT दोनों बाहर हो गए, क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ PA प्रेशर ऑफ A माइनस के साथ क्योंकि रिएक्टेंट है। उसी तरह माइनस 1/N2 RT डी बाई डी टी ऑफ PB, ये बन जाएगा 1/N3 RT डी बाई डी टी ऑफ PC, और ये बन जाएगा 1/N4 RT डी बाई डी टी ऑफ PD। कुछ नहीं, आप बिल्कुल लोड ना लें, बस आपको करना क्या था, ये जो RT सबके अपॉन में आ रहा था उस सब RT को मैंने बाहर निकाल के रख दिया, बाकी मैंने कुछ नया नहीं किया है। इतना तो कर ही सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ देख ले, सीख ले, फिर इसको भूल जाए। हाँ, हमें जो याद रखना है हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, वो याद भी रह जाएगा। अभी तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से। एक चीज़ और आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको 1/5 x इज इक्वल टू 1/10 y दैट इज इक्वल टू 1/20 z करके कोई एक इक्वेशन दिया गया, मान लीजिए ये माइनस में है, ये मान लीजिए 7 में, प्लस में है, और ये मान लीजिए 13 है, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो सिखाना वो ये है, अगर आपको ऐसे टर्म्स का रिलेशन मिलता है तो अगर आपको कोई नंबर मिलता है जो सब में कॉमन है और डिवाइड हो रहा है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए 5, 10, 20, ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, हम चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 4 = 20। यानी कि आप इसी इक्वेशन को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/x इज इक्वल टू 7/2y एंड दैट इज इक्वल टू 13/z। कर सकते हैं, समझ में आया मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बस यही चीज़ हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए, पहले हम आपको तो आदेश में आपने सीखा क्या, इसमें आपने ये सीखा कि अगर इक्वलिटी रिलेशन में या प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन में कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, और अगर वो नंबर्स किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं तो आप उनको डिवाइड
कर सकते हैं सिंपल बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे अपॉन आर टी अपॉन आर टी अपॉन आर टी अपॉन आर टी, सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ अपॉन आर टी, मैंने सब आर टी उड़ा दिए तो क्या बचेगा? तो देखिए आपके पास जो बच जाएगा वो ये बचेगा सिर्फ, माइनस पी ए अपॉन एन वन, यहाँ पे डी लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ बचेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ पी बी, और यहाँ बचेगा आपका एन टू। ऐसे ही आपको ये बचेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ पी सी, अच्छा ये तो प्रोडक्ट में आ गया था ना, ये प्लस में रहेगा, अपॉन एन थ्री, और एक बचेगा आपका डी बाई डी टी ऑफ पी डी, और अपॉन में इसका कोफिशिएंट एन फोर। ये बन गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब आपको ये सीखना, आपको याद क्या रखना था? अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन याद है तो मैं बताता हूँ आपको क्या था वो, माइनस डी बाई, या लिखूँ माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन वन, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन टू, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन एन थ्री, एंड डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन एन फोर। अगर आप कंपेरिजन करें तो सब कुछ सेम है, बस आपको डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ क्या लिखा है प्रेशर ऑफ ए, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ प्रेशर ऑफ बी, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सी, यहाँ प्रेशर ऑफ सी, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ डी, यहाँ प्रेशर ऑफ डी। बाकी देखिए कोफिशिएंट नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव यहाँ पे, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, एन वन डी टी एन टू डी टी, एन वन डी टी एन टू डी टी, एन थ्री डी टी एन फोर डी टी, एन थ्री डी टी एन फोर डी टी, सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि अगर आपको रिएक्शन ऑफ रेट लिखने आता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तब जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन है आप वहाँ वहाँ प्रेशर एप्लीकेट करके उसको प्रेशर के टर्म्स में भी रिएक्शन ऑफ रेट लिख सकते हैं, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? वो तो था आपको समझने के लिए। अब अगर आपसे कभी कोई कह दे कि अगर आपसे डी बाई डी टी ऑफ, आप इसको ए बना लीजिए, कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपको दिया है राइट, मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट के टर्म में दिया है तो माइनस हो जाएगा, इसको आप प्रेशर के टर्म्स में बताइए तो आप क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर ऑफ ए अपॉन डी टी। ध्यान रहे अगर आपने ये लिख दिया तो आपका गेम हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने लिखा था उसमें बार बार ये चीज़ क्यों आ गई थी, जहाँ पर कंसंट्रेशन था वहाँ प्रेशर आ गया था, क्योंकि आर टी को मैंने, वो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल था इसलिए वहाँ पे कैंसिल किया था, यहाँ पे तो वो सिंबल है नहीं, यहाँ पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन कई टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ। जब आप एक टर्म्स में लिखते हैं तो आपको अपॉन आर टी लिखना पड़ेगा। ये आपको याद कैसे रह जाएगा ये बात पर भी बात कर लेते हैं। देखिए माइनस लिखेंगे डी बाई डी टी, अगर यहाँ पर एन वन है तो आपका यहाँ भी एन वन आएगा, यहाँ भी एन वन आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब मान लीजिए ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है ना, अभी आपने सीखा इमीडिएट कंसंट्रेशन, सी का फॉर्मूला क्या बनता है, वेरी गुड, पी अपॉन आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए है तो पी ए अपॉन आर टी। तो आप यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है इसको आप क्या लिखेंगे, पी ए अपॉन आर टी, इसका आर टी कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि आर टी कॉन्स्टेंट है तो मैं आर टी को चाहूँ तो बाहर लिख सकता हूँ, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वन आर टी इंटू डी टी लिख सकता हूँ क्या? देखिए ये चीज़ यही लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ आइए एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, तो पॉजिटिव हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ प्रोडक्ट, और मान लीजिए इसका कोफिशियंट कुछ एम टू है, कुछ भी मान लीजिए, कोफिशियंट तो कोफिशियंट होगा। चलिए अगर मुझे इसको किसे बनाना है, गुड, प्रेशर के टर्म्स में, तो मैं क्या लिखूँगा, डी बाई डी टी ऑफ कोफिशियंट कितना है एम टू।
अब बताइए कंसंट्रेशन ऑफ पी की जगह हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ पी अपॉन आर टी। ये अपॉन आर टी कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पी अपॉन एम टू इंटू आर टी। तो अब मैं जो याद रखना है वो ये टर्म्स हम बार बार रिप्लीकेट ना करके हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, पी अपॉन आर टी होता है। इसलिए अगर मुझे डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन पता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाई आर टी। क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ सी है वहाँ पी अपॉन आर टी लिख सकते हैं, तो मैंने सी की जगह पर पी लिख दिया, अपॉन आर टी को मैंने बाहर निकाल के रख दिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होता है। आइए तो देखिए मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इस टर्म्स में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, हाँ ध्यान रहे जब रेट ऑफ रिएक्शन आप सभी रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखेंगे तब आप आर टी को कैंसिल करके हटा सकते हैं, अगर आप किसी एक टर्म्स के लिए डिफाइन करेंगे तो आप आर टी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर आपने ये काम कर दिया तब तो फिर आपका गेम हो जाएगा। समझ में आया आपको, हाँ चलिए, क्योंकि अब हमें ये लिखने आ गया तो मुझे अब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट देखिए क्या होगी, अगर हम इसी पॉइंट को पकड़ लें तो देखिए ये क्या लिखा गया है, ऊपर प्रेशर, प्रेशर को हम किस में लेंगे, एटीएम में या पास्कल में, अगर आप एटीएम में लेंगे तो ऊपर एटीएम आ जाएगा, ये एटीएम हो गया, अपॉन टाइम, टाइम किस में रहेगा, सेकेंड में, एन क्या है, नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका तो नंबर है कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसके ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, एटीएम सेकेंड इनवर्स यूनिट बन जाएगी, या फिर अगर आप पास्कल में लेंगे तो क्या बन जाएगा, पास्कल सेकेंड इनवर्स, अगर आप टाइम को मिनट में लेंगे तो एटीएम मिनट इनवर्स या पास्कल मिनट इनवर्स। तो आप कन्वर्जन आप तो खुद से कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं हम, तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। हाँ हमें पता है क्वेश्चन का तो आप वेट कर रहे थे, चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, 2NO reacts with O2 and gives us 2NO2। तो मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ प्रेशर दिया है 700 to 500 mmHg, यूनिट का बड़ी ध्यान रखना होगा आपको, किसमें दिया है, mmHg में, इन 250 seconds। तो पहले रिएक्शन लिख लें हम, 2NO reacts with O2 to gives us 2NO2, ठीक है। ये कह रहा है अगर प्रेशर की वैल्यू घट रही है तो देखिए P1 कितना है, 700 mmHg और P2 कितना है, दैट इज 500 mmHg, टाइम डेल्टा T की वैल्यू दिया है आपको 250 सेकेंड्स, एक बार मैच कर लें आप, हाँ टाइम दिया 250 सेकेंड्स, व्हाट वी नीड टू डू इज कैलकुलेट द एवरेज रेट इन एटीएम सेकेंड इनवर्स। आपको ध्यान रखना होगा इसमें यूनिट किस में है, एटीएम में, हाँ यानी कि मुझे अपने इन वैल्यूज को एटीएम बनाना होगा। आपको एक चीज़ तो याद ही होगा कन्वर्जन, वेरी गुड, वन एटीएम की वैल्यू क्या होती है, 760 mmHg के इक्वल होती है। बताइए अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 760 mmHg इज इक्वल टू 1 atm लिख सकता हूँ, मैं 760 को हटा के अगर 1 बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1 mmHg इज इक्वल टू 760 को लेफ्ट से राइट भेजेंगे ये अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन 760 atm। लेकिन मुझे तो कितने के लिए निकालना है, देखिए 700 और 500 mm के लिए, अगर मैं 700 mm के लिए लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 700 अपॉन 760 एटीएम। इसी तरह से अगर मैं 500 एमएमएचजी के लिए कैलकुलेट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 500 अपॉन 760 एटीएम। ये बात समझ में आई आपको, कर सकते हैं। तो आई अगर मैं कन्वर्जन करूं तो बताइए 500 एमएमएचजी को अगर मैं एटीएम में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 500 अपॉन 760 एटीएम। इसी तरह से अगर मैं 700 mmHg को लिखूं तो क्या लिखूंगा, 700 अपॉन 760 atm।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, आपने सीख रखा है कि 1 ATM की वैल्यू क्या होती है, 760 mmHg के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब भी आपको mmHg को ATM बनाना हो, आप क्या करते हैं, 760 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यही काम कर दिया। चलिए आइए अपने फॉर्मूले प्लॉटते हैं। देखिए ये NO के टर्म्स में दिया है, तो हम NO के टर्म्स में रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। हम क्या लिखेंगे, R एवरेज रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना पड़ेगा, डेल्टा चेंज इन प्रेशर यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 कोफिशियंट। हाँ, हमने क्या रख दिया, अब देखिए आपने फॉर्मूला लिख लिया, R एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 माइनस P1 अपॉन, क्या लिखना होगा आपको, डेल्टा T। फिर आपको क्या लिखना होगा, कोफिशियंट। तब देखिए कोफिशियंट कितना दिया है इसका, 2, यानी कि मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस, ठीक है आप लिखते हैं, ये डेल्टा की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपने डायरेक्ट यहाँ P2 माइनस P1 लिख दिया है। P2 की वैल्यू कितनी है, 500 अपॉन 760 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है, 700 अपॉन 760 अपॉन 2। डेल्टा टी की वैल्यू कितना है, 250 सेकेंड्स दिया हुआ है, आप इनको सॉल्व करें, ये हो जाएगा माइनस, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा माइनस 200 अपॉन 760 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करिए बन जाएगा 500, बन जाएगा ना। आइए इसको और सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ऊपर प्लस 200 अपॉन 760 अपॉन 500। ये देखिए ये इसका अपॉन कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो मैं अगले एंड में इसको लिख लूँगा 200 अपॉन 500 इंटू 760, लिख सकता हूँ, देखिए 20 से 20 कैंसिल, ये वैल्यू इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 0.4, तो आ जाएगा 0.4 अपॉन 760। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी कि इसमें ATM सेकेंड इनवर्स में, कर सकते हैं। हाँ आइए आंसर चेक कर लीजिए, आंसर यहाँ नहीं है। ये देखिए ये वैल्यू उतनी आ रही है सेम, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.000526। और आप इसको साइंटिफिक नोटिस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5.26 डेसिमल को मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 स्टेप यानी 10^-4 ATM सेकेंड इनवर्स। अब मुझे क्या करना है, इसी क्वेश्चन को एक और पार्ट में सॉल्व करना है। हाँ, मुझे इसको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में भी कन्वर्ट करना है, यानी कि मोलर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन करना है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन करना है। आइए लिखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T। कोएफिशिएंट कितना था, 2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा आपको। चलिए अब मैं इसको अच्छे से और लिखूं, तो देखिए माइनस डेल्टा NO कंसंट्रेशन है ना, अब देखिए कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन RT लिख सकते हैं, यानी ये जो कंसंट्रेशन है इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा PNO अपॉन RT, RT को मैं बाहर लिख लूँगा क्योंकि कॉन्स्टेंट होता है, इंटू 2 इंटू डेल्टा T। ये बात आपको समझ में आई है, आप पहले से एक बार इसको ध्यान से देखें, ये क्या दिया मुझे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछ रहा है, और मुझे पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन C इक्वल टू P अपॉन RT, यानी कि जहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा है मैं वहाँ पे प्रेशर अपॉन RT लिख सकता हूँ ना। तो देखिए यहाँ तो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं कंसंट्रेशन को क्या लिख दिया, P अपॉन RT, यानी कि प्रेशर के टर्म्स में अपॉन RT, RT को मैंने बाहर कर लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है इतनी, क्यों, क्योंकि ये किस में है, प्रेशर के टर्म्स में है, प्रेशर के टर्म्स में अभी आपने कैलकुलेट कर रखा था पहले से ही, यानी कि सिर्फ क्या आ गया यहाँ पर RT, तो लिखते हैं हम 1 अपॉन RT, R की वैल्यू
0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है देखिए, ठीक है 300 केल्विन। तो यहाँ कितना आ जाएगा इंटू 300। अब ऊपर में देखिए वैल्यू कितनी आई थी, उस वैल्यू को यहाँ रखना पड़ेगा ना। ये वैल्यू आई है 5.26 इंटू 10^-4। हाँ ये है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5.26 इंटू 10^-4 एटीएम सेकेंड इनवर्स। अब क्या करना है, आप इन सब वैल्यूज को हम सॉल्व कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी किसमें, मोलर सेकेंड इनवर्स में या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किया है, तो कंसंट्रेशन का क्या वैल्यू होती है, मोलैरिटी होती है यूनिट। तो मोलैरिटी को आप लिख लेंगे मोलर एंड अपॉन में टाइम है तो टाइम के यूनिट सेकेंड, तो ऊपर ले जाएंगे सेकेंड इनवर्स बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? अब इसके एक शॉर्टकट भी था, क्या है देखिए, हमने आपको सिखाया था जब भी आपको डी बाई डी टी ऑफ प्रेशर पता हो, ठीक है किसी भी कोफिशियंट का, और आपसे सेम टर्म्स में कंसंट्रेशन के लिए पूछ रहा है रिएक्शन रेट, तो बस आप कुछ मत करिए, इसी वैल्यू को आरटी से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता ये क्या है प्रेशर, और मुझे पता है कंसंट्रेशन क्या होता है पी अपॉन आरटी। जब भी मुझे कंसंट्रेशन निकालना होगा प्रेशर वाले टर्म्स को आरटी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जब भी मुझे रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन के लिए निकालना है तो मुझे एक चीज़ तुरंत माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे प्रेशर को आरटी से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर को आरटी से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मैं कर दूं तो मुझे अपनी वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल था, कर सकते हैं? हाँ, तो आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि सी की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन आरटी। इसीलिए जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रेशर में दिया है और आपसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछ रहा है तो आप उसको आरटी से डिवाइड कर दे। अब कई बार आपसे ये भी हो सकता है आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में दे देगा, किसके टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन, और आपसे क्या पूछ लेगा प्रेशर के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए क्योंकि आपको प्रेशर निकालना है तो आरटी को इधर भेज देंगे, तो बताइए आरटी अपॉन से इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो आप क्या करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन जो आया है उसको आरटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना होगा कंसंट्रेशन और प्रेशर में, अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में पता है और प्रेशर निकालना है, प्रेशर के टर्म्स में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई आरटी, यानी कि ये वाला, और जब अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है किससे प्रेशर से तो आप क्या करना होगा आरटी से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में आप चाहें तो लिख भी ले, हम बोल देते हैं व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द रिएक्शन रेट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इफ द रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज गिवेन देन वी नीड टू डिवाइड इट बाय आरटी। तो हम क्या करेंगे इसको आरटी से डिवाइड कर देंगे। दूसरा व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट रिएक्शन रेट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड द रिएक्शन रेट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इज गिवेन देन वी यूज टू मल्टीप्लाई इट बाई आर टी। तो हम क्या करते हैं उस केस में आर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मुझे अपनी वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेशन आप खुद देख लेंगे। हाँ कैलकुलेशन सब पी डी एफ में आपको किया हुआ भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो ठीक है, आप ये सब देख लेंगे, आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क टाइम है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इसको सॉल्व करें, घबराए बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप गड़बड़ाएंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया प्रेशर पर मिनट दिया और यहाँ क्या है पर सेकेंड पूछा है, तो आपको कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कर सकते हैं, तो चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। टिल दैट थैंक यू सो मच।